सो फाइनली बेब्लेड बस्टर बुक एपिसोड हिंदी डब में होना शुरू हो चुका है मार्वल एचक्यू पर। और आज हम लोग बात करेंगे इसकी हिंदी डबिंग के बारे में, जैसे कि ओल्ड कैरेक्टर्स की वॉइस को क्यों चेंज कर दिया गया है, साथ ही साथ इसकी डबिंग और स्क्रिप्टिंग कैसी रही, और आगे के जितने कैरेक्टर्स रिटर्न आएंगे लाइक शुक, रनाई, फाई और फ्री डेला होया जैसे कैरेक्टर्स की वॉइस कौन देने वाला है, और अभी तक जितने कैरेक्टर्स रिवील हुए हैं उनकी वॉइस को किसने दिया है, इसको लेकर भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो फिर कह सकते हो कि इस वीडियो में हम बेब्लेड बस्टर से रिलेटेड सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर ये वीडियो होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग, इसे लास्ट तक ज़रूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड कैरेक्टर्स की वॉइस को क्यों चेंज कर दिया गया है, इसके रीजंस के बारे में। तो देखो यार, इसके ऊपर दो रीजंस है। तो रीज़न नंबर वन पर आते हैं। तो देखो यार, जो बेब्लेड के डबिंग डायरेक्टर थे पहले, उनका नाम था विनोद कुलकर्णी, जिन्होंने बेब्लेड को तब से डायरेक्ट किया है जिससे बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज भी आता था। पर यहाँ पर उन्होंने बेब्लेड बस्टर बुक को डायरेक्ट नहीं किया, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है डबिंग चेंज होने का। और यहाँ पर मैंने विनोद कुलकर्णी सर से बेब्लेड बस्टर बुक की डबिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा था, जहाँ पर उन्होंने बताया कि उन्हें ये छोड़ना पड़ा लो बजट की वजह से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। तो डबिंग डायरेक्टर चेंज होने की वजह से ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से डबिंग को चेंज कर दिया गया है। और अब हम बात करते हैं मेन और सेकेंड रीज़न के बारे में। तो देखो यार, मैंने साहिल कुलकर्णी सर से भी पूछा था कि उन्होंने वॉल्ट अवी का कैरेक्टर इस बार डब क्यों नहीं किया, और वहाँ पर उन्होंने बताया कि जो बेब्लेड के डबिंग स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस है वो चेंज हो गया है, और जो नया वाला स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस है उन्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि पहले किसने किस कैरेक्टर की वॉइस दिया था, यानी कि उन्हें भी नहीं पता कि वॉल्ट को कौन पहले डब करता था, और इसीलिए उन्हें न्यू ऑडिशंस करवाना पड़ा, और न्यू डबर्स को सिलेक्ट करने की वजह से जो ओल्ड कैरेक्टर्स हैं उनकी वॉइस को चेंज कर दिया गया। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि ओल्ड कैरेक्टर्स की वॉइस क्यों चेंज हुआ है। सब हम बात करते हैं डबिंग और स्क्रिप्टिंग के बारे में। तो देखो यार, जो डबिंग और स्क्रिप्टिंग है वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया किया गया है। बॉलीवुड या बाकी लैंग्वेजेस को ऐड नहीं किया गया है, यहाँ पर हिंदी में ही अच्छी तरीके से स्क्रिप्टिंग किया गया है। अगर स्क्रिप्टिंग में कहीं मुझे गड़बड़ लगी तो वो है थीम सॉन्ग में। अब देखो यार, बेब्लेड बस्टर बुक की थीम सॉन्ग को अगर इंग्लिश में सुनोगे तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगा, पर हिंदी में इसकी स्क्रिप्टिंग को थोड़ा सा गड़बड़ किया गया है, और थीम सॉन्ग को छोड़कर एपिसोड्स की स्क्रिप्टिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगा है। और रही बात डबिंग की, तो देखो यार, जो डबिंग है वो नवंबर से शुरू हुआ है, और इस बार भी जल्दबाजी किया गया है, पर फिर भी इस बार डबिंग बहुत अच्छा हुआ है, और अभी तक जो एपिसोड 34 या 35 तक डबिंग कम्प्लीट हो चुकी है। और अब हम लोग बात करते हैं वॉइस कास्ट के बारे में, यानी कौन से डबर ने किस कैरेक्टर को डब किया है, और आगे जाकर कौन किसको डब करने वाला है। तो देखो यार, जो आइगर के बाने हैं उसकी वॉइस दी है मोहित सिन्हा ने, और जो वॉल्ट अवी है उसकी वॉइस दी है अंशुल सक्सेना, और जो लुई शिरोसा की है उसकी वॉइस दी है फरहान पटेल, और शो कैंसी की वॉइस दी है राजेश कावा, रंजीरो कियामे की वॉइस है केतन कावा, और जब मुझे फुबुकी का पता चलेगा वो मैं आपको बता दूंगा। बात करो आगे के कैरेक्टर्स की, तो देखो यार, जो फ्री डेला होया है उसके डबर के बारे में अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर इतना बता सकता हूँ कि इस बार केतन कावा ने फ्री डेला होया को डब नहीं किया है, और एक काइल नाम का कैरेक्टर आपको आगे जाकर देखने को मिलेगा जिसकी वॉइस फरहान पटेल ने ही दिया है, और जो फाई है उसकी वॉइस शायद फाइवो ठक्कर देने वाला है, जिन्होंने ओरिजिनल सीरीज में टाइसन को भी डब किया था। और रही बात शुक्रनाय की, तो शुक्रनाय अभी तक डब नहीं हुआ है, बिकॉज शुक्रनाय आता है एपिसोड 35 में, और अभी तक 34 तक ही डब हुआ है, पर शुक्रनाय की वॉइस देने वाले हैं फरहान पटेल, जिन्होंने काइल और लुई शिरोसाकी को भी अपनी वॉइस दी है। सो आई होप कि ये सारे डबर अपना बेस्ट दे और डबिंग हमें बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाए। सो हाँ यार, बस आज की वीडियो में सबको इतना ही अपडेट देना था। अच्छा, तो अपनी भी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।